क्योंकि वो फीलिंग ऑफ सीइंग ऑल दोज बाइक्स मेल्टिंग, द फाइबर वॉज मेल्टिंग, मैं इससे कुछ बोल ही नहीं सकता है. हाई, आई एम साहिब चड्डा. I am the owner of Kawasaki West Delhi. What got me into biking was that I got this opportunity, first of all, to open the showroom. I started the showroom back in 2018, and at that time I was not much of a rider. But once I got into the business, I understood the passion, the brotherhood behind this entire our small industry and the bikers themselves. बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे पास एक अच्छी मोटरसाइकिल होती है. सब तुम्हें देखते हैं रोड पे. It gives you a lot of importance on the road. But और हम अपनी बाइक पे बहुत पैसे भी लगाते हैं. वी बाय एन एक्सपेंसिव बाइक, वी पुट अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज ऑन इट, सब कुछ करते हैं, टाइमली सर्विस कराते हैं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हम खुद को भी सेफ रखें. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू वेयर द राइट राइडिंग गियर. एंड एक बहुत नेसेसरी चीज़ है जो बहुत राइडर्स मिस कर जाते हैं, इज टू रेगुलरली चेक ऑन देयर टायर्स, ऑन देयर चेन्स, ऑन देयर टायर्स. ये एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है जो बहुत राइडर्स मिस कर जाते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर that your riders, your tires are in the perfect condition and they are going to support you through your ride. But jab sab jagah se claustrophobic lagta hai aur aisa lagta hai ki yaar bas ab kuch chahiye, matlab jab aap kaam se pareshan ho jate ho and you just want to get out, I just take my key, switch on my motorcycle and I go for a short ride or a long ride, doesn't matter. As long as it is in the open, the weather is fine, you just need to get out, break free, and you'll feel much better, you'll feel energized, you'll feel so much lighter, aur aap apni normal zindagi mein wapas aa sakte ho. Those 30 minutes give you a new life, a fresh air, and it is just the perfect kind of spa for me. 5th February morning around 5:30 mujhe mere guard ka call aaya ki Kawasaki mein aag lag gayi hai, and hum yahan pahunche aur things were bad. हमारी पूरी वर्कशॉप वॉज हैविंग अ फायर. देयर वॉज सो मच हीट अराउंड हियर. एंड जब यहाँ सारे स्टाफ पहुँचा और हमने पहली बार एंटर किया यहाँ पे, वी वर ऑल इन टेयर्स. सब कुछ जो हमने इतनी मेहनत से बनाया था वो हमारी आंखों के सामने था और सब जल चुका था. इट वॉज शैटरिंग फॉर अस. वो मैं फीलिंग आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो उस दिन हमने फेस करी, एज अ टीम फेस करी. उस स्टोरी की सिल्वर लाइनिंग पता क्या थी, उस स्टोरी में इंस्पायरिंग पता क्या था, वी ऑल केम टुगेदर एज अ टीम. आफ्टर वी हैड एन आवर्स क्राई, हम एक घंटा रोए, एक दूसरे को देख के हग किया हमने, हमारी पूरी सर्विस टीम, सेल्स टीम, उसके बाद हम सब ने एक डिसीजन लिया कि काम नहीं रुकना चाहिए, कि बाइकर सफ़र नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट. हमने विद इन 2 आवर्स एक लिफ्ट खरीदी, लिफ्ट को हमारे बाहर पैसेज एरिया में लगाया और 10 बजे हमारी वर्कशॉप खुल गई थी. 10 o'clock देयर वॉज अ कस्टमर हु वॉज हेयर फॉर सर्विस, जिसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है. हमने उन्हें ये स्टोरी बताई, हमने उन्हें बाहर सर्विस दी. आज भी हम जब वो डे सोचते हैं, जब हम वो मोमेंट याद करते हैं, तो हमारी पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो फीलिंग ऑफ सीइंग ऑल दोज बाइक्स melting, the fiber was melting. मैं इससे आगे कुछ बोल ही नहीं सकता है. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई टीम हियर कि हमने कभी भी किसी कस्टमर को सफ़र नहीं करने दिया, हमने कभी भी किसी बाइकर को ये नहीं कहा कि नहीं सर आज नहीं हो पाएगा या ये कल नहीं हो पाएगा. वी मेड श्योर कि हर एक कस्टमर की नीड पूरी हो, हर एक कस्टमर की डिमांड पूरी हो. एंड दैट्स हाउ वी गॉट थ्रू इट एंड वी आर रीबिल्डिंग. आई होप कि जो भी कस्टमर्स, जो भी लोग, जो भी राइडर्स XBHP को फॉलो करते हैं, दे अंडरस्टैंड वॉट राइडिंग इज रियली अबाउट, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एग्जॉस्ट नोट, इट्स अबाउट योर सेफ्टी, इट्स अबाउट राइडिंग सेफ, इट्स अबाउट राइडिंग एज लॉन्ग एज यू कैन एंड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दोज शैकल्स. वेल, दिस वॉज साहिब चड्डा एंड दिस वॉज माई स्टोरी.